हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लास्ट मिनट प्रेडिक्शंस के बारे में, क्योंकि ये जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार जाने वाला है। इसके अलावा कवर करेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के सभी र्यूमर्स और स्पॉयलर्स के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहाँ पर हमें रॉ जनरल मैनेजर कर्ट एंगल नहीं दिखाई देंगे, बल्कि वहाँ पर हमें रॉ कांस्टेबल बैरन कॉर्बन उनकी जगह लेते हुए नजर आने वाले। इसके अलावा हमें दो तीन हफ्तों से देखने को मिल रहा है बैरन कॉर्बन हमेशा हारते हुए नजर आ रहे हैं और उनके मैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं फिन बैलर और बॉबी लैशली के अगेंस्ट। तो हो सकता है अगर इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें बैरन कॉर्बन सारे मैचेस बनाते हुए नजर आए तो किसी ना किसी तरह फिन बैलर और बॉबी लैशली को एक अलग अलग हैंडीकैप मैच में बुक करते हुए नजर आए और उस मैच में हमें फिन बैलर और बॉबी लैशली काफ़ी ज़्यादा मार खाते हुए नजर आए। इसके अलावा हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोंडा राउजी का नेक्स्ट चैलेंजर मिल सकता है, जिस तरह हमें पिछले हफ्ते देखने मिला स्टेफनी मैकमैन पर अटैक हो गया था रोंडा राउजी की तरफ से, जिसके बाद रोंडा राउजी ने रॉ कांस्टेबल बैरन कॉर्बन को बना दिया था रॉ जनरल मैनेजर बैरन कॉर्बन। तो हो सकता है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जब रोंडा राउजी रिंग के अंदर खड़ी हुई तो वहीं से बैरन कॉर्बन उन्हें इंटरप्ट करें और वो कहें कि अलेक्सा ब्लिस को उनका रीमैच मिलने वाला हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में और हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस रोंडा राउजी का मैच देखने को मिलेगा हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। इसके अलावा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का एक ओपन चैलेंज भी देखने को मिल सकता है, जहां पर सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस हमें रिंग के अंदर दिखाई दे और सेथ रॉलिंस बैक ले और वो कहे मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं और मैं अपनी टाइटल को डिफेंड करने वाला हूं इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। जिसके बाद हमें देखने मिले वहां से ब्रे वाइट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद ब्रे वाइट हमें हराते हुए नजर आए सेथ रॉलिंस को और वो बन जाए नवे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जब बीच में हमें ब्रॉन स्टोन की इंटरफेरेंस देखने को मिले। जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है वो रिलेटेड है यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से, जो कि हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकता है और रिपोर्ट्स का मानना ये है हमें यहां पर ब्रॉन स्टोन अपना कैश इन करते हुए नजर आएंगे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। काफी हफ्तों से देखने मिल रहा है ब्रॉन स्टोमन दो तीन हफ्तों से लगातार ट्राई कर रहे हैं को कैश इन कर दे अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। इसके अलावा ब्रॉन स्टोमन ने एक दो बार धमकियां भी दी हैं रूमर रेंज को कि इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में उन्हें हरा कर बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। इसके अलावा रिपोर्ट्स का मानना यह भी शायद यहां पर ये हो सकता है अगर रोमन रेंज अकेले आते रिंग के अंदर तो हमें ब्रॉन स्टोमन वर्सेज रोमन रेंज के बीच मैच देखने को मिले और यहां पर हमें ब्रॉन स्टोमन किसी न किसी तरह यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आए और हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में हमें ब्रॉन स्टोमन वर्सेज रोमन रेंज के बीच एक बड़ा मैच देखने को मिले जो कि ऑलरेडी उस पेपर व्यू के लिए एडवर्टाइज हो रहा है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी से करते हैं आप इस वीडियो को लाइक, इसके अलावा कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कौन सी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इस तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।